सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर चिंता जाहिर की। पेंशन को लेकर सीजीआई ने अपनी चिंता व्यक्त की। आपको बता दें कि ये मामला उन जजों से जुड़ा था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिला जुडिशरी में बिताई थी और उसके बाद उन्हें हाईकोर्ट में जज बनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनमें से कुछ बेहद कठिन मामले हैं। हमारे पास जिला जजों द्वारा दायर याचिकाओं की श्रृंखला है जो हाईकोर्ट में आते हैं। हम जिला जजों से कहते हैं कि सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए हमें 96,000 रुपए मिलेंगे जो कि 8,000 रुपए प्रति माह है। अब आम तौर पर ऐसा होता है कि जिला जज 56 से 58 वर्षों के बीच कहीं भी हाईकोर्ट में आते हैं उन्हें 8,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाता है, फिर वे 25,000-30,000 रुपए प्रति माह की पेंशन के साथ रिटायर होते हैं। सीजीआई ने कहा पूरा जीवन न्यायपालिका में बिताने के बाद 15,000 से 25,000 रुपए पेंशन मिलना उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ऐसे सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों का प्रोफाइल देखिए, उनमें से कुछ को छोड़कर जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं बाकी सेवानिवृत्ति के बाद ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही मध्यस्थता का काम करते हैं। आप दोनों से मेरी ये अपील है कि आप संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर इस मुद्दे की जांच करें और एक उचित समाधान पर पहुंचें। आपको बता दें कि इस मामले में याचिका दाखिल करने वालों में एक रिटायर्ड जिला जज भी हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। जिला अदालतों के रिटायर्ड जजों को 15,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। जिला जज हाईकोर्ट जज के रूप में प्रोन्नत होने पर 30,000 रुपए मासिक पेंशन पाने के हकदार होते हैं। कुछ जिला जज 55 से 57 साल की उम्र तक ही हाईकोर्ट में प्रोन्नत हो पाते हैं। सीजीआई जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ के इस विचार पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस गंभीर मुद्दे पर दलील रखने से पहले सरकार के साथ विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय मांगा। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।